हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा रानीज किचन। तो आज की भोगा ऑफरिंग में हम लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और सर्दियों में बनने वाला बथुए का रायता। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स गो फॉर कुकिंग। बथुए का रायता बनाने के लिए हमने लिया है बथुआ, फ्रेश बथुआ लिया है। इसमें हम इसके पत्तों को डंडी से अलग कर लेंगे, इस तरह से। ये मोटे वाला डंडी रहने देंगे, इसको निकालते जाएंगे। इस तरह से इनको सब बथुए को हम डंडी से अलग कर लेंगे। हमने सारे पत्ते डंडी से अलग कर लिए। अब बथुए को बहुत अच्छी तरह से धोना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसको डायरेक्ट टैप के नीचे नहीं धोएंगे हम। इसमें पहले एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें हम ये बथुआ डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मल लेंगे कि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो, देखिए कितनी मिट्टी वाला पानी निकला है। तो इसी तरह से इस पानी को हम 2 से 3 बार बदलेंगे और अच्छी तरह से धो लेंगे। हमने 3 से 4 बार पानी बदल लिया है। अब आप देखेंगे इस पानी में मिट्टी नहीं है, बथुए का हरा रंग है। तो अब इस बथुए को अब हम कुकर में उबलने के लिए डालेंगे। ये बथुआ डाला हमने, सारा बथुआ डाल दिया है। और इतने बथुए में मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च से काफ़ी तीखा बनेगा। और अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बथुए को हमने अच्छी तरह से धोया है, तो पानी उसमें है ही। और एक विसल दिलवा लेंगे हम। पहली विसल बच गई है, हम गैस बंद कर रहे हैं और इसकी स्टीम अपने आप निकलने देंगे। स्टीम निकलने के बाद हमने इस बथुए को ठंडा कर लिया है और अब ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया। इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, जैसे चटनी पीसते हैं उसी तरह से बारीक कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही बारीक ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसे अब हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये वाला अंडा हाफ कप दही लिया है और ये बथुए को भी हमने कटोरी में निकाल लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा बथुआ भी इस तरह से रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब रायता डालना हो उसमें हम 1 चम्मच बथुआ डाल सकते हैं। तो अब इस दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी, कोई भी लम्स ना रहे हैं। दही अच्छी तरह से फिट गया है, अब हम इसमें बथुआ डालेंगे। तो 1.5 कप दही में हम पहले देखिए 3/4 चम्मच के करीब मैंने बथुआ लिया है, इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं इसका कलर और कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, तो और ज़रूरत नहीं लग रही। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और काला नमक डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसको और भी टेस्टी और भी इसका बढ़िया फ्लेवर बनाने के लिए इसका हम छौंक तैयार करते हैं। अब हम इस पैन में थोड़ा सा घी डाल लेंगे। अब इस घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो ये घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम चुटकी के करीब हींग डालेंगे और मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटे चम्मच के करीब राई और साथ में ही डालूंगी 1 हरी मिर्च, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हरी मिर्च के बड़े बड़े 3-4 टुकड़े करके डाले हैं। तो देखिए ये जब राई अच्छी तरह से भुनेगी तो चटक चटक के बाहर आएगी और ये छौंक बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहा है। और इस छौंक को हम डाल देंगे इस दही में और अब हम इस छौंक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बथुए का रायता बिल्कुल तैयार है और देखिए कितना झटपट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम भोग लगाते हैं। तुलसी जी डाल के इसे लंच में या फिर किसी भी परांठे के साथ भोग लगा सकते हैं।